बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया और कहा कि अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपराओं को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। ओम बिरला के लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने पर सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि जनप्रिय मृदुभाषी राजनेता ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदयतल से बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामना। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को स्पीकर बनने की बधाई दी और कहा कि विपक्ष जनता की आवाज है, उम्मीद है कि उन्हें नहीं दबाया जाएगा। वी वुड लाइक द हाउस टू फंक्शन ऑफन एंड वेल। स्पीकर सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोऑपरेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन is allowed to be represented in this house, that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the samvidhan of this country. Yes. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है,
लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बनने पर बधाई दी है, आपको सुनवाते हैं। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। पीएम मोदी से राहुल गांधी का हाथ मिलाते हुए वीडियो एक बार फिर सदन से सामने आया। जब लोकसभा स्पीकर चुनाव के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे थे, और उसी दौरान राहुल गांधी ने भी बिरला को बधाई देकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इससे पहले साल 2018 में भी सदन से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां पर राहुल गांधी सदन में पीएम मोदी से गले मिले थे। हालांकि तब ये तस्वीर काफी सुर्खियों में रखी थी और इस पर सियासी घमासान भी मचा था। एक बार फिर से पीएम मोदी ने राहुल गांधी का हाथ मिलाते हुए तस्वीर अब सदन से सामने आई है। पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं इस तस्वीर में, जो कि आप देख सकते हैं। और इससे पहले गले मिलने की तस्वीर 2018 में सामने आई थी, जिसे लेकर काफी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी। लापरवाही को लेकर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए उन कमिश्नरों की रिपोर्ट तलब की है जिनके मंडल में राजस्व के केस पेंडिंग किए हैं। सीएम योगी ने राजस्व से जुड़े केस में लापरवाही पर रिपोर्ट तलब की है। अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल और आगरा मंडल में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग है। 18 मंडल में 4619 राजस्व से जुड़े केस पेंडिंग है। तहसीलदार से लेकर डीएम की रिपोर्ट पहले ही तलब की जा चुकी है। प्रदेश में राजस्व के मामलों के निस्तारण में तमाम मंडलायुक्त लापरवाही बरत रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने जब तलब की तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल अयोध्या, विंध्याचल, बस्ती, आगरा मंडल के जो कमिश्नर हैं, ये राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट के आने के बाद अब इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि राजस्व मामलों के निस्तारण में ढिलाई बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीर हैं कि राजस्व मामलों में किसी भी तरीके से इनके निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18, लखनऊ। आरएसएस में पूर्वी यूपी क्षेत्र में फेरबदल, कई प्रचारकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के चारों प्रांत में बदलाव हुआ है। प्रांत कार्यकारिणी विभाग और जिला में परिवर्तन किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में गोरक्ष, काशी, अवध और कानपुर प्रांत आते हैं। तो कई प्रचारकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। आरएसएस में पूर्वी यूपी क्षेत्र में बदलाव हुआ है। कई प्रचारकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। प्रांत कार्यकारिणी में भी बदलाव हुआ। चारों प्रांत में ये बदलाव देखने को मिला है। पूर्वी क्षेत्र में गोरक्ष, काशी, अवध और कानपुर प्रांत आते हैं और इन चारों प्रांत में बदलाव हुआ। आज से आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में संघ की पूर्वी क्षेत्र में अवध, काशी, गोरक्ष और कानपुर प्रांत के पदाधिकारी, विभाग प्रचारक भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारी, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम पर मंथन किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद दत्तात्रेय होसबोले का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में खराब प्रदर्शन रहा है, इसे लेकर भी सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले अपने पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक राजधानी लखनऊ में शुरू हो गई है। इस अहम बैठक में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में दत्तात्रेय होसबोले का ये प्रवास 3 दिवसीय काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो खराब प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए यह बैठक आरएसएस की काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा आरएसएस की इस बैठक में जो अवध प्रांत और कानपुर प्रांत के विभाग प्रचारक और पदाधिकारी शामिल होंगे, इस बैठक में मंथन किया जा रहा है जो आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजन है, उसको बेहतर तरीके से कैसे आयोजित किया जाए, इसकी तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस का गुरुदक्षिणा कार्यक्रम, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक काफ़ी अहम राजधानी लखनऊ में मानी जा रही है। इसमें कई प्रांतों के पदाधिकारी और विभाग प्रचारक मौजूद हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।